तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ऑडियो फाइल होती है वो हमें दो फॉर्मेट में मिलती है, एक तो मिलती है डॉट MP3 फॉर्मेट के अंदर और दूसरी मिलती है हमें डॉट वेव फॉर्मेट के अंदर। अब ये MP3 और वेव फॉर्मेट में जो फाइल्स हमें मिल रही होती है इनको हम ऑडियो फाइल्स कहते हैं। ऑडियो फाइल्स में दो तरह की हो सकती है, एक तो वॉइस ऑडियो हो सकते हैं, ठीक है, एक वॉइस प्लस म्यूजिक यानी कि म्यूजिक ऑडियो हो सकता है, और एक सिर्फ मेलोडीज भी हो सकती है जिसमें सिर्फ म्यूजिक का काम होता है। अब ये जो दो फॉर्मेट है MP3 और वेव, ये फाइल्स हमें मिलेंगी कहाँ से? अब इसके दो तरीके ये हैं कि अगर आप यहाँ से जाते हैं इंटरनेट पर तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑडियो सॉन्ग्स की फैसिलिटीज देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम करने ये वाले हैं कि यहाँ पर जाके ऊपर हम यहाँ पे YouTube को सर्च कर लेते हैं और YouTube के ऊपर जब हम अपने चैनल क्रिएटर मोड में जाते हैं तो वहाँ पे YouTube की एक फ्री लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें फ्री म्यूजिक्स मिल जाते हैं। तो जैसे ही आप वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड वाले बटन के ऊपर, सपोज टू बी यहाँ से मैं अपने चैनल पर आ जाता हूँ। ये चैनल सबके जीमेल की आईडी के साथ बना हुआ होता है, जाएंगे इसके अंदर व्यू में आ जाएंगे उसके साथ। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे आएंगे वॉच ऑडियो लिंक वीडियोस, और यहाँ पर ही कहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है चलें एक मिनट देखते हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट। क्रिएटर स्टूडियो में चलते हैं, फ्रेंड का जो यूट्यूब स्टूडियो है यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा क्रिएटर स्टूडियो दिखेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए कमेंट सब टाइटल्स अर्न ये कंफर्म करना चाह रहा है कि ये मैं ही हूं या नहीं। फंस गया हम इस पे। चलें वेरीफाई कर देते हैं इसको ताकि फिर ये आगे। ओके चले वेरिफिकेशन हो गई इसके यहाँ पे कंप्लीट, तो यहाँ पर आ गए हम। अब हमने यहाँ पे आना है देखें ऑडियो लाइब्रेरी के ऊपर। जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो के अंदर आएंगे ऑडियो लाइब्रेरी में आएंगे, ये यूट्यूब की एक फ्री ऑडियो लाइब्रेरी है जिसको आप यूज़ करके ऑडियोज यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कह रहा है कि म्यूजिक है, साउंड इफेक्ट्स हैं, स्टार्टेड हैं, स्टेर्ड हैं, तो डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो अगर यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ एक्शंस के साउंड इफेक्ट्स हैं जो आपको अच्छी एनिमेशंस बनाने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे किड्स प्लेइंग आप सुनना चाह रहे हैं तो यहाँ से प्ले करके सुन लें, उसकी वॉइस आपको सुनाई देगी। मतलब जैसे कोई वीडियो आप एडिट कर रहे हैं और उसके बीच पे ऐसी कोई आवाज़ डालनी है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह किड्स प्लेइंग टू भी इसके अंदर कोई और किस्म की वॉइस होंगी।
फैक्ट्री बैकग्राउंड, जैसे कोई फैक्ट्री चल रही है। हर चीज का साउंड मिल जाएगा, गाड़ी चलाने का, कार का, यानी कि अगर हम कोई वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई वॉइस चाहिए तो हमें यहाँ पे हर किस्म का साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। कार ड्राइविंग का है, मेल जोम्बी रोड का है, कार्टून मेटल थंब का है, और भी इसके नीचे वुडन है। यहाँ क्लिक करके आप 100 रिजल्ट्स एक साथ देख सकते हैं। क्लीन अप स्पिल का है साउंड। वाइड ग्लास सिप का है। किसी चीज के पीने की वॉइस। वाटर सिजलिंग का साउंड है। तो एक अच्छा एनिमेशन बनाने के लिए सारे सारे साउंड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आते हैं म्यूजिक्स की तरफ, कि हमें काफ़ी सारे म्यूजिक भी इसके अंदर मिल जाते हैं। म्यूजिक में चले जाएं और यहाँ से आप क्लिक करें, ये कुछ नए आए हुए हैं। इसमें आपके सामने बता रखा है रॉक है, डांस है, रॉक है, सिनेमैटिक है, R&B है। ये सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स हैं। अगर हम पहला वाला सुनना चाहें तरह का कोई वॉइस लेना चाहते हैं, अब ये रॉक था। अगर हम डांस टाइप का कोई सुनना चाहते हैं या ब्राइट, किसी भी बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, वीडियो के, किसी एनिमेशन के, अंडर द सन। ठीक है, तो अब इसमें से जो जिस तरह का आप एड या एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं वैसा आप अपने बैकग्राउंड में एक ऑडियो लगा सकते हैं, जिसको आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। अब इसमें कुछ ज्यादा मशहूर भी हैं, कुछ हल्के भी हैं, और उसको किस तरीके से देख सकते हैं। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. ठीक है, और अगर आपको लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करना है तो 100 रिजल्ट्स भी आप एक पेज के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी किस्म के इंस्पायरेशनल भी मिल जाएंगे, कर सकते हैं। ये इंस्पायरेशनल सॉन्ग हो सकता है। अब ये व्यू करने के बाद अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? सपोज तो भी यहाँ पे रख के डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और इसकी टाइप है .mp3। जैसे इसकी MP3 टाइप को हम सामने रखते हुए यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे ओपन के बटन के ऊपर, तो ये हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको जब इसको प्ले करेंगे तो आपको एक प्लेयर और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले, जिसका नाम है VLC। ये गूगल से आपको फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप टाइप करें फ्री डाउनलोड VLC प्लेयर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब इस VLC प्लेयर पर आप इसको प्ले करके देखें। ये एक ऑडियो वीडियो प्लेयर है जो ऑडियो वीडियो सॉन्ग प्ले करने के लिए कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब इस गाने की जो ऑडियो है म्यूजिक की, वो 2 मिनट 42 सेकंड की है। ठीक है, अब मुझे तो ये इतना चाहिए नहीं, मुझे इसमें से इसके कुछ हिस्सा रिक्वायर्ड है, तो
तो ये VLC मुझे हेल्प कर सकता है वो इसका पार्ट इसमें से एक्सट्रैक्ट करने में। कैसे करेगा? राइट बटन दबाएंगे, VLC में ले जाएंगे, और VLC में ले जाने के बाद इसको स्टॉप कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे टूल्स में, सॉरी व्यू में, यहाँ पर VLC में नॉर्मली आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस कंट्रोल्स का। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वाला बार ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपने, इसको प्ले करें, पहले सुन लें कि हमें कौन सा पार्ट रिक्वायर्ड है। इसका टोटल ड्यूरेशन है 2 मिनट 42 सेकंड का, ठीक है। अब हमें कहां से चाहिए और कहां तक का हिस्सा चाहिए, जैसे यहां से स्टार्ट करना है, कहां से करना है, स्टॉप स्टॉप, यहां से शुरू करना है। तो रेड वाले बटन पे क्लिक कर दें, अब ये रिकॉर्ड कर रहा है इसको। काउंट करते जाएं कितने सेकंड का चाहिए आपको। लेट सपोज मुझे 1 तो मैंने रेड वाले पे दोबारा क्लिक कर दिया, तो एक स्टार्ट फ्रेम था उसका और एक एंड फ्रेम बता दिया। तो आप उसी जगह पे देखेंगे, बल्कि उस जगह पे नहीं, ये तो डाउनलोड में हमारा कॉपी हुआ है, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। वो गया होगा हमारा म्यूजिक के फोल्डर में और यहाँ पर आपको वो नजर आएगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ डेट मॉडिफाइड के ऊपर, ग्रुप बाय, डेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, चले कोई बात नहीं, पहले वो वाला सॉन्ग मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, टेम्पल ट्रेजर्स, और ये भी खाली टॉप पर ही जो उसने कट करके बनाया था ये आ रहा है सबसे टॉप पर, डेट भी लिखी हुई है 17/10/2024, म्यूजिक के फोल्डर में सेव कर दिया इसने। और ये सिर्फ उतना ही टुकड़ा होगा जितना कि आपके उसमें से पूरा हो गया ये, ठीक है। तो ये हमने उसमें से एक पीस निकाल लिया। अब इसका नाम आप चेंज कर लें, F2 करके रीनेम करते हैं हम यहाँ पर इसको, F2, और यहाँ पे हमने कहा था सपोज टू बी बैकग्राउंड म्यूजिक 01, कहाँ सेव है, म्यूजिक के फोल्डर में। इसका फुल वर्जन कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ था मोटिवेशनल के नाम से था, ये रहा टेंपल ऑफ ट्रेजर्स के नीचे। अब खोलेंगे पावर पॉइंट, कोई भी, ये समीर इंट्रोडक्शन ही लगा लेता हूँ, इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं था। यहाँ से जाऊंगा इंसर्ट, क्लिक करूंगा ऑडियो, ऑडियो ऑन माय पीसी, और यहाँ क्लिक करके मैं यहाँ से चला जाता हूँ म्यूजिक के फोल्डर में। और अभी मैंने जो सेट किया था उसको राइट बटन दबा के सॉर्ट बाय व्यू बाय, अच्छा सॉर्ट बाय व्यू बाय में डेट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमने क्या नाम रखा था उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो चेक कर लेते हैं। ये रहा, इंसर्ट करेंगे, ऑडियो फाइल ऐड हो गई इसके अंदर। इस ऑडियो फाइल को कहीं भी रख ले, जैसे ही इस ऑडियो फाइल पे क्लिक करेंगे प्लेबैक के अंदर आपको ये पूरा टैब नजर आएगा। जब कब नजर आएगा, जब आप इसके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही प्रेजेंटेशन शुरू हो या ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए, तो इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। और इसका ड्यूरेशन देखने के लिए ट्रिम ऑडियो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ बता रहा है कि इसका टोटल ड्यूरेशन है 23 सेकेंड और 298 मिली सेकेंड। मैं इसको एंड टाइम को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं इसको ओनली 10 सेकेंड पर सेट कर लेता हूँ। दोनों तरीके बता दिए ना, ठीक, ओके कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, जबकि इसको हमने ऑडियो तो कर दिया था ऑटोमेटिकली,
लेकिन अभी इसको हमने ये नहीं कहा प्ले अक्रॉस द स्लाइड, प्ले इन बैकग्राउंड। जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे प्ले इन बैकग्राउंड वाले पर और स्लाइड शो करेंगे, लेकिन ये ख्याल करना है कि अगर आपका ऑडियो 10 सेकंड का है तो वो 10 सेकंड पूरे करेगा भले आपका ट्रांजेक्शन रुक जाए। तो उस ट्रांजेक्शन को और ऑडियो की टाइमिंग को यहाँ से सेट करना है आपने। अगर आपका ट्रांजेक्शन 7 से 8 सेकंड का है तो उसको उतने पे ही सेट रखें या अपनी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर लें। ठीक है,